एक ऐसा राज्य जिसके पास अपनी रक्षा के लिए एक भी सैनिक नहीं है और 100,000 सैनिक इस राज्य पर हमला करने आ रहे हैं और उस राज्य के राजा को उसकी प्रजा ही जिंदा जलाना चाहती है और एक लड़की जो पहाड़ी से गिर रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। कहानी की शुरुआत में हमें एक आवाज के जरिए कुछ बताया जाता है कि 1462 में टर्किश के एक राजा ने ट्रांसवेलिया के 1,000 बच्चों को अपनी सेना में भर्ती किया था। फिर इन गुलाम बच्चों को बड़ी बेरहमी से पीटा गया और उन्हें बिना कुछ सोचे समझे करने की तामील दी गई और ये बच्चे उन लोगों को मारते थे जो तुर्किश के हुकूमत को नहीं मानते थे और उन लड़कों में एक बड़ा ही महान बना जिसका नाम सुनते ही पूरी फौज कांप उठती थी। वलैद जल्लादों का बादशाह ड्रैगन का बेटा और वलैद तुर्किश के साथ मिलकर मासूम लोगों को मारता था और एक दिन मौत का खेल बंद करके वलैद अपने राज्य ट्रांसवेलिया आ गया और ट्रांसवेलिया का प्रिंस होने के नाते अपने पिता की मौत के बाद ट्रांसवेलिया पर राज करने लगा। सीन चेंज होता है और हम नदी के किनारे वलैद और उसके कुछ सैनिकों को देखते हैं जहां वलैद को तुर्किश के एक सैनिक का मुकुट मिलता है और वलैद को शक हो जाता है कि बाकी के सैनिक जरूर उस ब्रोकन टूथ पहाड़ी पर होंगे जो ट्रांसवेलिया पर हमला करने आए हैं और अपने साथ दो साथी लेकर उस पहाड़ी की ओर बढ़ता है इस उम्मीद में कि वहां उसे तुर्किश के सैनिक मिल जाए और वो उनसे बातचीत करके मामला सुलझा ले। और पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर झांकने पर गुफा से बहुत सारी चमगादड़ बाहर आती है जिन्हें देखकर वलैद को यकीन हो जाता है कि गुफा के अंदर जरूर कोई है क्योंकि चमगादड़ दिन में बाहर नहीं आती। और तीनों अंदर घुस जाते हैं जहां बहुत अंधेरा होता है। फिर वो मशाल जलाकर आगे बढ़ते हैं और वलैद देखता है कि जमीन पर हर तरफ टूटी हुई हड्डियां पड़ी है जिस पर वो समझ जाता है कि ये काम तुर्कियों का नहीं है। इतने में एक सैनिक पर कोई हमला करके उसे मार देता है जिसके चीखें सुनकर ये दोनों गुफा से बाहर भागने लगते हैं मगर दूसरा सैनिक भी मारा जाता है और वलैद अपनी जान बचाता हुआ सूर्य की रोशनी में आ जाता है और ये मॉन्स्टर सनलाइट से डरकर वापस गुफा में चला जाता है और अचानक तलवार पर लगा मॉन्स्टर का खून अपने आप गायब हो जाता है और इस हादसे में वलैद के दो साथी मॉन्स्टर के हाथों मारे जाते हैं और वलैद सीधा अपने राज्य जाता है और उस मॉन्स्टर के बारे में जानने के लिए वलैद राज्य के एक पादरी से पूछता है और वलैद पादरी को वो सब बताता है जो उसने देखा था जिस पर पादरी समझ जाता है कि ये काम कोई मॉन्स्टर का नहीं बल्कि एक वैम्पायर का है और यह भी बताता है कि किसी समय में वो वैम्पायर भी एक इंसान था जिसने एक वैम्पायर को न्योता दिया था और वो वैम्पायर उस इंसान को भी वैम्पायर बना देता है जिससे जो पहले वैम्पायर था वो आजाद हो जाता है मगर जो वैम्पायर इंसान बना था वो जिंदगी भर उस गुफा में कैद हो जाता है और उस दिन से वो वैम्पायर एक इंसान की तलाश कर रहा है जो उसे गुफा से आजाद कर सके। ये जानने के बाद वलैद ये सारी बात पादरी को अपने तक रखने के लिए कहता है क्योंकि वलैद नहीं चाहता कि ट्रांसवेलिया की आवाम वैम्पायर के नाम से घबरा जाए। फिर वलैद अपने बच्चे इग्रिस को गले लगाता है और वाइफ मिराना से मिलता है और कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताता है और अगले दिन पूरा राज्य ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाता है और महल में एक भव्य आयोजन होता है और सभी दावत का लुफ्त उठा रहे होते हैं। तभी महल में बिना आमंत्रण तुर्किश के सैनिक आ जाते हैं जो उनके राजा मेहमद का आदेश वलैद को सुनाते हैं और आदेश ये होता है कि मेहमद को अपनी सेना बढ़ाने के लिए ट्रांसवेलिया के 10 से 18 साल के बीच लड़के चाहिए जिन्हें ट्रेन करके वो लड़ने के लिए तैयार कर सके मगर वलैद बच्चे ले जाने से साफ मना कर देता है जिस पर सैनिक वलैद को सोचकर जवाब देने के लिए कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। दरअसल कुछ साल पहले जब वलैद बच्चा था तो उसके पिता ने वलैद को तुर्की सेना के हवाले कर दिया था मगर जब वलैद राजा बना तो उसने ये प्रथा बंद कर दी और अगले दिन वलैद तुर्की राजा से मिलने जाता है जिसका नाम मेहमद है और वलैद मेहमद का एक पुराना दोस्त रह चुका है। इसी नाते वलैद उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उस राज्य के बच्चे ना ले जाए चाहे तो वो उनके बदले उसको रख ले मगर मेहमद एक बेरहम राजा होता है जिसके लिए रिश्ते नाते दोस्ती कोई मायने नहीं रखती और वलैद की इस गुस्ताखी को देखते हुए मेहमद 1,001 बच्चे लाने का आदेश देता है जिसमें एक बच्चा वलैद का बेटा होता है जिसके कुछ देर बाद मिराना और एग्रेस वलैद के पास जाते हैं जहां टर्किश सैनिक भी आ जाते हैं एग्रेस को अपने साथ ले जाने मगर वलैद एग्रेस को वहां से जाने के लिए कहता है और अकेले इस सारे सैनिकों को मार देता है और वलैद के साथी ये देखकर डर जाते हैं क्योंकि ये खबर जब मेहमद को मिलेगी तो वो पूरे राज्य को खत्म कर देगा। और अपने राज्य को बचाने के लिए वलैद ब्रोकन टूथ वाली गुफा में एक बार फिर जाता है और पहले तो वैम्पायर वलैद को ना मारकर उसे परखता है और उससे कहता है कि तुम वो पहला इंसान हो जो यहाँ से जिंदा बचकर निकल गए और वापस आ गए जिस पर वलैद उससे कहता है कि मेरा राज्य संकट में मुझे आपकी शक्तियाँ चाहिए और वैम्पायर को वो इंसान मिल जाता है जिसे उसकी सदियों से तलाश थी मगर वो वलैद को एक चेतावनी भी देता है कि वैम्पायर बनने के पहले 3 दिन तक अगर तुमने खून नहीं पिया तो तुम फिर से इंसान बन जाओगे और अगर खून पी लिया तो तुम सारी उम्र एक वैम्पायर बनकर रहोगे और मैं इस गुफा से आजाद हो जाऊंगा। फिर वैम्पायर अपना खून
खून निकालता है और वलैद को उसका खून पीने के लिए कहता है और वलैद खून पी लेता है और बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक नदी में पाता है और एक चांदी की अंगूठी उसकी चमड़ी जला रही होती है, यानी वलैद अब वैम्पायर बन चुका है। और वलैद चांदी की अंगूठी निकाल कर नदी में फेंक देता है। फिर वलैद कुछ महसूस करता है और अब उसे हर छोटी से छोटी चीज की आवाज सुनाई देने लगती है और अंधेरे में भी साफ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, उसके भागने की ताकत आम आदमी से काफी ज्यादा होती है। इससे भी मजेदार बात यह होती है कि वलैद उड़ सकता है और उड़कर अपने राज्य की ओर निकल जाता है। मगर उससे पहले मेहमद के 1000 सैनिक वलैद के किले पर हमला कर देते हैं और तोप का इस्तेमाल करके किले की हालत खराब कर देते हैं। इतने में वहाँ वलैद आ जाता है और घबराए हुए लोगों को शांत करने की कोशिश करता है और यह भी कहता है कि मैं उन सैनिकों से अकेले ही बात करने जाऊंगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। फिर वलैद अकेला ही 1000 सैनिक से भिड़ने चला जाता है और अपनी शक्तियों से देखते ही देखते 1000 सैनिक को मार देता है। और कुछ देर बाद वलैद की प्रजा बाहर आती है और ये नजारा देखकर सोच में पड़ जाती है। मगर वलैद उन्हें इस बार कुछ नहीं बताता। फिर उनसे कहता है कि हमें यह जगह खाली करके कोजिया मॉनेट्री पर जाना होगा, जहाँ पहाड़ी के ऊपर एक किला बना होता है जहाँ तक तोप का निशाना नहीं पहुँच सकता। क्योंकि वलैद ये जानता था कि मेहमद शांत नहीं बैठेगा और जैसे ही मेहमद को उन 1000 सैनिकों की मौत की खबर मिलती है, वो वलैद और उसके लोगों को मारने के लिए 1,00,000 सैनिक उनकी ओर रवाना कर देता है। दूसरी ओर वलैद के साथी कहते हैं कि हम पहाड़ी की आड़ में 1,00,000 सैनिक को 4-5 महीने तक रोक सकते हैं। मगर वलैद कहता है कि ये जंग मुझे 3 दिन में खत्म करनी है। फिर वलैद के साथी मांस खाने लगते हैं, मगर वलैद खुद को खून और मांस से दूर रखने की कोशिश करता है और जंगल में चला जाता है, जहाँ वलैद का पीछा एक आदमी कर रहा होता है जिसका नाम जिम होता है। और जिम वलैद को देखकर पहचान लेता है कि वलैद एक वैम्पायर है। मगर वो वलैद से डरने की बजाय उसे अपना खून पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वलैद गिलास को दूर फेंक देता है और जिम को वार्निंग देता है कि वो उससे दूर रहे। और अगले दिन मेहमद उन 1000 सैनिकों की लाश देखने जाता है, जहाँ एक सैनिक अभी भी जिंदा होता है जो मेहमद को बताता है कि वलैद एक वैम्पायर बन चुका है। दूसरी ओर मेरीना उठती है और वलैद को कांपते हुए देखती है और कंबल को हटाने पर वो देखती है कि मेहमद का शरीर एक चांदी की अंगूठी से जल रहा है, जिसे तुरंत मेहराना दूर कर देती है। और वलैद के घाव इतनी तेजी से बढ़ते देख मेहराना डर जाती है। फिर वलैद मेहराना को बताता है कि वो एक वैम्पायर बन चुका है, मगर 2 दिन बाद वो वापस इंसान बन जाएगा, लेकिन तब तक उसे खून से दूर रहना होगा और धूप से बचना होगा। और यह सब बताकर वलैद मेहराना को सारी प्रजा को कोजिया किले पर ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वलैद धूप की वजह से कहीं जा नहीं सकता। और मेहराना वलैद की बात मानकर सभी को यहाँ से ले जाती है, जिसके कुछ देर बाद मेहमद के सैनिकों को वलैद की प्रजा मिल जाती है। और रात होते ही वलैद मेहराना की ओर निकल जाता है, लेकिन उससे पहले वलैद के सैनिक मौका देखकर प्रजा पर हमला कर देते हैं और एक एक करके लोगों को मारने लगते हैं। इतने में वलैद वहाँ पहुँच जाता है और सैनिकों को मारना शुरू करता है। और वलैद का एक साथी मेहराना एग्रस को वहाँ से बचाकर ले जा रहा होता है, मगर तभी वहाँ कुछ सैनिक आ जाते हैं और उसके साथी को मार देते हैं और मेहराना एग्रस को वहाँ से भगा देती है। फिर बचा सैनिक मेहराना को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले वलैद उस आदमी को पहाड़ी से धक्का देकर गिरा देता है। फिर सभी कोजिया किले में घुस जाते हैं और आने वाले सैनिकों का सामना करने की तैयारी करने लगते हैं। मगर पादरी नोटिस करता है कि वलैद धूप से बचता हुआ चल रहा है और उसका शक तब यकीन में बदलता है जब वो पर्दा हटाता है और धूप से वलैद का शरीर जलने लगता है। यह दृश्य सारी प्रजा देखती है और पादरी लोगों के साथ मिलकर उस टेंट को जला देता है और सोचता है कि वलैद आग से जलकर मर जाएगा। तभी मेहराना और इग्रस वहाँ जाते हैं और सभी को समझाते हैं कि वलैद ने यह सब तुम्हारे लिए किया था, मगर लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। इतने में धूप चली जाती है और वलैद टेंट से बाहर आता है, जो आग से जलता जरूर है पर मरता नहीं है, और अपनी प्रजा को समझाता है कि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए वैम्पायर बना था और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। और रात होने के बाद 1,00,000 सैनिक किले के बाहर हमला करने के लिए तैयार होते हैं और अब प्रजा भी वलैद के साथ होती है। मगर वलैद के लिए 1,00,000 सैनिकों को मारना थोड़ा मुश्किल होता है, जिस पर उसे एक आइडिया आता है और वो महल की एक अंधेरी जगह जाता है जहाँ बहुत सारी चमगादड़ होती है और वलैद अपनी शक्ति से चमगादड़ को कंट्रोल करना सीख जाता है और हजारों चमगादड़ की मदद से किले पर खड़ा खड़ा सैनिकों पर टूट पड़ता है और सारी चमगादड़ साथ मिलकर सैनिकों की वाट लगा देती है। फिर वलैद मेहमद को मारने जाता है और उसे घोड़े से नीचे गिराकर मारने वाला होता है, तभी वो देखता है कि ये आदमी मेहमद नहीं है। दूसरी ओर किले के अंदर छुपके से सैनिक घुस जाते हैं और मेहराना और इग्रस पर हमला कर देते हैं और अब सूर्य कभी भी निकल सकता है। और एक सैनिक मेहराना को मारकर किले से लटका देता है और इग्रस को अपने कब्जे में कर लेता है और मेहराना की छींकें सुनकर वलैद सीधा किले की ओर बढ़ता है और एक सैनिक को मार देता है और उधर सूर्य निकलने वाला होता है। इतने में मेहराना किले से गिर जाती है और वलैद भी उसे बचाने कूद जाता है, मगर वलैद उसे बचा नहीं पाता और मेहराना किले से गिर जाती है और इग्रस को सैनिक ले जाते हैं। फिर मेहराना कहती है कि इग्रस को बचाने के लिए
तुम्हें मेरा खून पीना होगा जिससे तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ जाएगी। और मिराना की बात मानकर वलेद उसका खून पी लेता है और वलेद के पूरे वेम्पायर बनते ही गुफा वाला वेम्पायर आजाद हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। मगर मिराना की मौत देखकर वलेद को बहुत दुख होता है। फिर वो मेहमत से बदला लेने के लिए बचे हुए प्रजा को वेम्पायर बना देता है और मेहमत के अड्डे पर हमला कर देता है और सारे वेम्पायर सैनिकों को मारने लगते हैं और वलेद सीधा मेहमत के पास जाता है। मगर मेहमत ये जानता था कि चांदी से वेम्पायर कमजोर पड़ जाते हैं, इसीलिए मेहमत पूरे टेंट को चांदी से भर देता है। मगर वलेद चांदी का दर्द सहन करता हुआ मेहमत पर हमला कर देता है, लेकिन वलेद अपनी पूरी शक्ति से मेहमत का सामना नहीं कर पाता और धीरे धीरे मेहमत उस पर भारी पड़ने लगता है और वलेद की चमड़ी जलने लगती है। हालांकि मेहमत वलेद को हल्के में लेता है और इसी गलती की वजह से वो मर जाता है। फिर वलेद इग्रस को लेकर बाहर आता है। इतने में सारे वेम्पायर सैनिकों को मार चुके होते हैं और अब सारे वेम्पायर इग्रस का खून पीने की सोचते हैं और एक वेम्पायर आगे बढ़ता है मगर वलेद के हाथों मारा जाता है, जिसके बाद भी वेम्पायर इग्रस की ओर बढ़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ पादरी आ जाता है और क्रॉस की मदद से वेम्पायर को डराता हुआ इग्रस को वहाँ से ले जाता है। मगर वलेद ये जानता था कि जब तक ये वेम्पायर जिंदा है वो इग्रस को मारने की पूरी कोशिश करेंगे और वलेद बादल हटा देता है जिससे वेम्पायर जलकर मर जाते हैं और वलेद भी जलने लगता है और धीरे धीरे मर जाता है, जिसके बाद इग्रस को ट्रांसवेलिया का राजा बनाया जाता है। दूसरी ओर जिम वलेद को अपना खून पिलाकर जिंदा कर देता है, जहाँ से सीन सीधा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और आज भी वलेद जिंदा है। और एक दिन उसे मार्केट में मीराना का पुनर्जन्म दिखाई देता है जिसे वलेद अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है और अब मीराना का नाम मीना होता है और सैकड़ों साल बाद दोनों एक बार फिर मिल जाते हैं। लेकिन मार्केट में वो गुफा वाला वेम्पायर भी होता है जो वलेद का पीछा कर रहा होता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।